गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस द सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक मनी। मनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मनी, इसको हम पैसे कहते हैं। देखो पेज नंबर 128 मनी, पेज नंबर 128। टीना सोनू एंड सीमा हैव अकाउंट इन ए बैंक। टीना सोनू सीमा का बैंक अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है बैंक में। दे हैड वेंट विद देयर पेरेंट्स टू विथड्रॉ देयर मनी। दे विथड्रॉ देयर फॉलोइंग अमाउंट। टीना कितना विथड्रॉ किया है? 150 रुपीज विथड्रॉ किया। सोनू 180 रुपीज विथड्रॉ किया। सीमा 90 रुपीज विथड्रॉ किया। तो मनी पहले हम जानेंगे 1 रुपी कितना पैसा। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, याद रखना। 1 रुपीज 100 पैसा। ओके, तो टीना यहाँ पर 150 रुपीज निकाली बैंक से। सोनू ने 180 रुपीज, सीमा ने 90 रुपीज निकाली। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो हम नोट के बारे में, कॉइन के बारे में कुछ जानेंगे। तो 150 रुपीज, 150 से 100 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज और 10 रुपीज, ये सब नोट है। टीना को बैंक ने 100 रुपीज का एक नोट दिया है, 50 रुपीज का दिया, 20 रुपीज का दिया, 10 रुपीज का दिया। तो उसका कितना हुआ? 180 रुपीज हुआ। तो सीमा का 100 रुपीज एक 50 रुपीज, 150 रुपीज हुआ। तो सोनू का 100 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज, कितना रुपीज हुआ? 90 रुपीज हुआ। तो ये सब नोट था, ये सब कॉइन है। 10 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, 1 रुपीज का कॉइन, 50 पैसा, 50 पैसा का भी एक कॉइन हुआ करता था। अब नहीं है, पहले था। इन इंडिया नोट्स आर कम इन फॉलोइंग वैल्यूज। इंडिया में ये सब का नोट है, 5 रुपीज का है, 10 रुपीज का, 20 रुपीज का, 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, 500 रुपीज का, 2000 का है। वी नो दैट 1 रुपीज 100 पैसा। पहले मैंने तुमको बताया 1 रुपीज कितना पैसा, नहीं 100 पैसा, इसको याद रखना। 1 रुपीज 100 पैसा, 5 रुपीज कितना पैसा, 500 पैसा। तो 10 रुपीज कितना पैसा, 1000 पैसा। तो 11.1 एक्सरसाइज देखो। 100 रुपीज यहाँ पर 100 रुपीज दिया है, इसको हम कैसे अलग अलग करके 100 रुपीज बनाएंगे। तो यहाँ पर 50 रुपीज है, सॉरी 10 रुपीज है और 50 रुपीज है। इसको 10 रुपीज से हम 50 रुपीज को पहले ऐड कर देंगे, कितना होगा? 10 रुपीज 50 रुपीज, 10 रुपीज 50 रुपीज ऐड करने के बाद हमको कितना रुपया मिलेगा? 60 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पर 60 रुपीज हो गया। तो और कितना रुपीज यहाँ पर लिखना है हमको? टोटल 100 रुपीज ही लिखना है। तो क्या क्या रुपए यहाँ पर लिखेंगे? तो ये 10 रुपीज है, ये 50 रुपीज है। तो यहाँ पर हम और कितना है, और कितना लिखेंगे? 40 रुपीज लिखेंगे। तो 40 रुपीज का नोट हमारी कंट्री में नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ना? 20 रुपीज। क्या लिखेंगे? 20 रुपीज, 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज। तो 38 रुपीज, 38 रुपीज में यहाँ पर 20 रुपीज है, 5 रुपीज भी है।
तो इसको हम ऐड करने के बाद कितना हुआ, 25 रुपीज हुआ। तो यहाँ पर हम कितना रुपए लिखेंगे और कितना हुआ 25, 38 से हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले 38 से 25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना हुआ, 8 से 5 जाने के बाद 3 से 2 जाने के बाद 1, तो हमको 13 रुपीज। ओके 13 रुपीज हमको थर्टीन रुपीज लिखना है। सॉरी 13 रुपीज। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, 3 रुपीज का तो नोट नहीं है, तो यहाँ पर हम 10 रुपीज लिखेंगे, इसके बाद 2 रुपीज लिखेंगे, इसके बाद 1 रुपीज लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 रुपीज प्लस 8 रुपीज लिखने से हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज। डैश 5 रुपीज कॉइन विल मेक 25 रुपीज। 5 रुपीज कॉइन का कितना, 5 रुपीज कॉइन से 25 रुपीज बनेगा। कितना 5 रुपीज, कितने हम कितने 5 रुपीज लेने के बाद हम हमारे पास 25 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 रुपीज, 25 से हम 5 रुपीज को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 25 से हम 5 को डिवाइड करने के बाद आता रिमाइंडर कितना होगा, 5। ओके तो हम 5 रुपीज कॉइन से 25 रुपीज बनेंगे। तो डैश 25 नोट्स विल मेक 100 रुपीज। कितना 20 रुपीज का नोट 100 रुपीज बनेगा। कितना, तो 100 को 20 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद 100 को 20 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या होगा, 5। तो हम कितना 20 रुपीज नोट लेंगे, 5। 520 रुपीज नोट विल मेक 100 रुपीज। तो डैश 50 रुपीज नोट विल मेक 450। ऐसे ही करना, 450 को 50 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। ओके तो एक्सरसाइज 11.2 देखो। तो यहाँ पर एक देखो एग्जाम्पल, हम पहले जाना है जान चुके हैं 1 रुपीज 100 पैसा। हियर यू सी ए पॉइंट डॉट, यहाँ पर तुम एक डॉट दिख रहे हो, यहाँ पर 5 रुपीज 7.5 पैसा। तो यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर भी गोटे एक डॉट है। दिस पॉइंट और डॉट सेपरेट द रुपी फ्रॉम द पैसा। दिस डॉट इज सेपरेट द रुपी और पैसा। रुपी से पैसा, से पैसा को अलग कर रही है, पैसे से रुपीज को भी अलग कर रहे हैं। दोनों के लिए एक डॉट यहाँ पर यूज किया जाता है। ओके तो 5 रुपीज 75 पैसा, तो पैसे में हम क्या लिखेंगे, 575 पैसा को, पैसा को हम रुपीज और पैसा में कन्वर्ट कैसे करेंगे ना, 5 रुपीज यहाँ पर एक डॉट दे देंगे। डॉट भरने से लेफ्ट साइड में जो पैसा है इसको रुपीज बोलेंगे, राइट हैंड साइड में 75 पैसा है। ओके 7 रुपीज 50 पैसा, तो हम कैसे लिखेंगे ना, 7 रुपीज 50 पैसा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 9 रुपीज 25 पैसा, 9.25। ओके 8 रुपीज 40 पैसा कैसे लिखेंगे, 8 रुपीज सिंबल 8.40
ओके, यहाँ पर क्या लिख कैसे लिखना है, रुपीज रुपीज सिंबल 11.30। ओके, नेक्स्ट नंबर दो नंबर, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडर फॉर्म, एक्सपेंडर फॉर्म से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है ऐसे ही लिखेंगे। 9 रुपीज 35 पैसा, 9 रुपीज 35 पैसा, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 9 रुपीज 35 पैसा, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 14 रुपीज 14.25 पैसा। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज, ना यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 19 रुपीज 40 पैसा, 56 रुपीज 70 पैसा, 94 रुपीज 85 पैसा। तो थ्री नंबर को देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन है, यहाँ पर टिक चिन्ह लगाना है हमको। यहाँ पर लिखा है 9 रुपीज 25, तो यहाँ पर कौन सा ठीक है, तो 9 रुपीज 25 पैसा, तो डॉट के पहले रुपीज, डॉट से पहले 9 रुपीज, इसके बाद पैसे, तो डॉट के बाद पैसे, पहले 9 रुपीज 25 पैसे। ओके, तो यहाँ पर हमको टिक चिन्ह लगाना है, तो 119 रुपीज प्लस 05 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कौन सा ठीक, कौन सा ए वाला ठीक है ना, वो वाला भी ठीक है, कौन सा ठीक है, तो क्या लिखना है, 119 रुपीज 5 पैसा, नॉट 50 पैसा, 5 पैसा, तो यहाँ पर हमको ठीक लगाना है, 25 रुपीज और 25 पैसा, तो 25 रुपीज 25 पैसा। ओके, 100 रुपीज 50 पैसा, तो यहाँ पर हमको ठीक लगाना है, ठीक डॉट लगा, राइट चिन्ह लगाना है। एडिशन ऑफ रुपीज एंड पैसा, हम अब हम आर सीखेंगे, कैसे कैसे करेंगे, रुपीज और पैसा को हम कैसे आर करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर रुपीज, यहाँ पर पैसा, लेफ्ट साइड में रुपीज है, राइट साइड में पैसा है, तो रुपीज के, रुपीज की प्लेस पर रुपीज लिखना है, पैसे की प्लेस पर पैसा ही लिखना है, तो यहाँ पर रुपीज 40 रुपीज, पैसा 50, तो यहाँ पर 12 रुपीज 25 पैसा, तो इसका हम ऐड करेंगे, 5 से 0 ऐड करने के बाद 5 2 प्लस 5 7 75 पैसा, तो 2 प्लस 0 2 1 प्लस 4 5, तो यहाँ पर आंसर कितना हुआ, 52 रुपीज 75 पैसा। ओके, एग्जाम्पल टू, ऐड 164 रुपीज 25 पैसा, 110 रुपीज 25 पैसा, इसको हम ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर रुपीज राइट, लेफ्ट साइड में रुपीज लिखना है, राइट हैंड साइड में पैसा लिखना है, देखो यहाँ पर रुपीज, यहाँ पर पैसा, रुपीज के प्लेस पर 164, देखो यहाँ पर लिखा है 164 164, पैसा 25, पैसे के 25, यहाँ पर 110 रुपीज, पैसे 25, तो इसको हम ऐड करेंगे, 5 5 10 0 रखकर 1 कैरी किया है, 2 2 4 प्लस 1 5, तो 0 प्लस 4 4 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 1 1 2, तो कितना हुआ, द आंसर इज 274 रुपीज 50 पैसा। कम टू द नेक्स्ट पेज, 11.3 एक्सरसाइज, इसको तुम लोग ऐड करोगे अपनी बुक में और कॉपी में, तो सब्सट्रैक्शन देखो, ऐसे ही करना है जैसे ऐड किया है,
सब्सक्रिप्शन भी करना है। रुपीस राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में रुपीस, राइट साइड में पैसा। रुपीस के प्लस पर रुपीस लिखना है, पैसे के प्लस पर पैसा ही लिखना है। तो यहाँ पर 112 रुपीज 25 पैसा, तो फ्रॉम 245 रुपीज 75 पैसा है। यहाँ पर कौन सा रुपीज बढ़ा है? ए वाला रुपीज बढ़ा है, 245 रुपीज 75 पैसा बढ़ा है। तो फर्स्ट हमको क्या लिखना है? 245 रुपीज 75 पैसा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो बड़े से हमको सब्ट्रैक्ट, छोटे से सब्ट्रैक्ट करना है, छोटे से बड़े सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम बड़ा फर्स्ट लिखेंगे, से नीचे छोटा छोटा वाला लिखेंगे। तो बड़ा वाला यहाँ कौन से है? 245 रुपीज 75 पैसा, 245 रुपीज 70 पैसा। तो नीचे 112 रुपीज 25 पैसा। तो 5 से 5 जाने के बाद 0, 7 से 2 जाने के बाद 5, 50 पैसा। तो 5 से 2 जाने के बाद 3, 4 से 1 जाने के बाद 3, 2 से 1 जाने के बाद 1। तो यहाँ पर कितना हुआ? जो आंसर इज 133 रुपीज 50 पैसा। एग्जाम्पल 2 सब्ट्रैक्ट। तो 523 रुपीज 25 पैसा फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 565 रुपीज 50 पैसा। तो इसी से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ये बड़ा है 565 रुपीज 50 पैसा, यहाँ पर लिखेंगे नीचे 523 रुपीज 25 पैसा लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 से 5 नहीं जा पाएंगे, तो 5 से हम 1 बड़ो करके लाएंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ? 10 हुआ। 10 से 5 जाने के बाद 5, यहाँ पर कितना कितना है? 1 बड़ो 5 से 1 ले गए हैं, तो यहाँ पर अब क्या है? 4 है। 4 से 2 जाने के बाद 2, तो यहाँ पर 5 से 3 जाने के बाद 2, 6 से 2 जाने के बाद 4, 5 से 5 जाने के बाद 0। लेफ्ट साइड में 0 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना रुपीज कितना हुआ? 42 रुपीज 25 पैसा। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो इसको तुम लोग अपनी बुक में करोगे, सब्सक्राइब तुम अपनी बुक में करोगी। तो यहाँ पर देखो, द फॉलोइंग आइटम इज गिवन। यहाँ पर बॉल का कितना रुपया है? 48 रुपीज। तो ये फ्लूट का, पेन और फ्लूट 5 रुपीज। ये चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपीज। ये काइट का कॉस्ट 7 रुपीज। इरेजर का कॉस्ट 4 रुपीज। ये डॉल का कॉस्ट 125 रुपीज। ये बॉक्स का कॉस्ट 78 रुपीज। चॉकलेट का कॉस्ट 3 रुपीज। तो इसका हम हु स्पेंड मोस्ट, आप इससे कौन सा कॉस्ट ज्यादा है? कौन सा? 125। तो ये डॉल का कॉस्ट ज्यादा है। तो एक्सरसाइज 11.5 देखो। मीना बॉट 1 बॉल 2 पेंसिल 1 चॉकलेट। बॉल का दाम कितना है? 48 रुपीज। पेंसिल का दाम, यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल का दाम कितना है? 5 रुपीज। तो 2 पेंसिल का दाम कितना हुआ? 10 रुपीज हुआ। तो यहाँ पर 10। 1 चॉकलेट, चॉकलेट का दाम कितना है? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज यहाँ पर लिखा। टोटल कितना हुआ? इसको हम ऐड करेंगे, ओके। ऐड करने 0 0 0, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो ये 0 0 0 0, यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे। तो पॉइंट 0 0 0 0 से 8 मिलने का ऐड होकर 8 1 1 2 प्लस 4 6। तो यहाँ पर कितना हुआ? 68 रुपीज 00 पैसा। तो 68 रुपीज 00 पैसा हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 68 रुपीज बोलेंगे, ओके। कम टू द नेक्स्ट पेज। मंजित बॉट तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर
इसको तुम अपनी बुक में करोगी। ओके स्टूडेंट्स कंप्लीट। यू डू द एक्सरसाइज 11.1 से लेकर 11.5 तक तुम अपनी बुक में करोगी। ओके बाय थैंक यू।